मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। सीरियसली गाइस, ये वीडियो के लिए मुझे अराउंड 2 इयर्स में अराउंड 400 लगभग तो ऐसा कुछ डीएम्स आया मुझे ये वीडियो बनाने के लिए। सो आज फाइनली फिलहाल फिर से एक बार हम लोग मैक्स सॉल्यूशन में आए। यो गाइस, दिस इज सचिन, यू आर वाचिंग सचिन ब्लॉग्स लाइफस्टाइल, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड आज ये मैक्स सॉल्यूशन है पूरा फुल्ली रिनोवेशन हो चुका है। जो पहले शॉप था वो पुराना था, आगे शॉप अभी ये कुछ नया बना दिया है, देख सकते हो आप लोग। काफी सही शॉप लग रहा है अभी और बहुत ज्यादा प्रोडक्ट आगे पहले से। तो आज हम लोग मतलब जो पहले जो प्रोडक्ट है उससे बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो अभी हो सकता है मे बी उतने में नहीं मिले, उससे बेस्ट क्वालिटी में जरूर मिलेगा। बहुत सारे प्रोडक्ट अभी ऐसा तो किसी को बता नहीं सकता कौन कितने रेंज से स्टार्टिंग है। जैसे वीडियो स्टार्ट करूंगा आप लोगों को सबको पता चल जाएगा कौन सा रेंज कहाँ से स्टार्ट होने वाला है और कौन से स्पेसिफिकेशन मिलने वाले हैं आप लोगों को। और हमारे साथ यहाँ पर है संजय, अभी सब एक्सप्लेन करने वाले हैं मैक्स सॉल्यूशन में जो जो प्रोडक्ट है। और रही एड्रेस की, एड्रेस अभी बता देंगे भाई, बिकनौली ईस्ट टाइगर नगर ग्रुप नंबर 2 पे फेमस है अपना गणेश मंदिर या ओल्ड मोदी हॉस्पिटल किसी को ही बोल दो। तो बाकी रही बात एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और किसी को अगर ऑर्डर करना होगा तो सीओडी वगैरह है क्या किसी को? सीओडी ऑल ओवर मुंबई सीओडी होगा, कोई भी डील गेट डन होता है तो यू गेट टोकन अमाउंट और व्हाटएवर डिलीवरी चार्जेस के सीओडी। और अगर आउट ऑफ मुंबई है तो यू हैव टू पे द अमाउंट एंड डिलीवरी चार्जेस। सीओडी अवेलेबल नहीं रहेगा? नो, बाकी आपको कुछ भी वारंटी के रिलेटेड क्वेरी है वो आप लोग मेरे रिटर्न भेज सकते हो, आपको डायरेक्ट रिप्लेस होकर मिल जाएगा। और EMIs वगैरह करना रहेगा किसी को? EMIs भी पॉसिबल है मेरा, लाइक विद इन अ मंथ मेरा समझो EMI का प्रोसेस भी चालू हो जाएगा। और रही क्रेडिट डेबिट एवरीथिंग, तो बाकी वो सब तो कर ही सकते हो। और रही कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मुझे देना रहेगा तो वीडियो देखते रहो, एंडिंग में मिल जाएगा कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा। और देखते रहो, बहुत सी चीजें जो मुझे बताने आपको एंडिंग में, सो प्लीज देखो, लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ काम का नहीं है उसमें, कुछ अपने अपडेट वगैरह आएगी तो वो सब बताया, मतलब नहीं है जो मैं बताने वाला आज आपको, जो अभी मार्केट में रनिंग है और आगे भी थोड़ा बहुत चलना है। जो स्टार्टिंग है वो ये MD-10, दिस इज द टॉप मॉडल MD-10। इसमें एक नॉर्मल Hi-Fi भी आता है, मैं वो भी पब्लिक को रिकमेंड करता हूँ कि लेने की मत लो उससे 2-4-5 हज़ार रुपये कम करके, बिकॉज उसमें कैसे आपको ग्राफिक्स नहीं मिलेगा उतना। इसमें कैसे 1.5 GB ग्राफिक्स आता है और Mi 2 वो आता है आपको 11 का, बट उसमें भी आपको अपडेट्स नहीं मिलते। इसमें कैसे आप रैम हार्ड ड्राइव को अपडेट करके इसको अपन रनिंग आज जो भी अभी लेटेस्ट हुए वो इस पर रन करवा सकते हैं बाय डूइंग SSD। और इसमें कैसे DVD राइटर तो अपन निकाल के अपना SSD इसमें माउंट होता है KD यूज करनी, तो इससे अपना जो भी मतलब हार्डवेयर वर्क है एडिटिंग वगैरह ये इसीलिए आज तक के मॉडल रनिंग में। दिस इज MD-101, ये आपको 25 के रेंज में आ जाएगा, 25 से 28 डिपेंड्स ऑन कॉन्फ़िगरेशन और कंडीशन। आफ्टर दैट दिस इज MD-102, थिंग सेम हियर बट द डिफरेंस इज प्रोसेसर, वो i5 है, दिस इज i7। तो बेस वर्जन आता है 8GB, 5GB, 8GB, 750GB, ये भी अब तक के सबसे सक्सेसफुल मॉडल है और आज तक के रनिंग है। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कस्टमर्स को भी कि एडिटिंग के लिए जा रहे हो तो आप नॉर्मल Hi-Fi के लिए मत जाओ, नॉर्मल i7 भी आता है उसके लिए मत जाओ, वो 2011 का है उसमें आपको अपडेट्स नहीं आता, ठीक है। ये है MD-102 i7, ये आपको आ जाएगा एक 34 से 36, 32 के रेंजेस में भी आएगा बट डिपेंड्स ऑन कंडीशन, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो जाता है, बट अच्छी चीज है, रिकमेंड कर रहा हूँ। कंडीशंस भी काफ़ी अच्छी है, देख सकते हो, जैसे मैं हर बार बताता हूँ बेस्ट कंडीशन में मिलता है और काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट अच्छे चलते हैं, क्योंकि जो मैंने पिछली बार लिया था वो अभी तक चल रहा है और अभी तक मैंने उसमें कुछ एक सिंगल पहनी का कुछ मैंने वर्क नहीं कराया उसके लिए, सबसे बेस्ट चल रहा है अभी तक। इसका प्राइस कितना है? ये 22 से आपको 36 के रेंजेस में आ जाएगा। हाँ, डिपेंड्स ऑन कंडीशन और जो भी मतलब कॉन्फ़िगरेशन। ये सब मैकबुक एयर मॉडल्स है, तो ये अपने पास है मैकबुक एयर, इसमें अलग अलग मॉडल्स आते हैं। इसमें भी आपको मेरे पास जो है, मैं रिकमेंड करता हूँ ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को कि एटलीस्ट 2012 का मॉडल है उससे ऊपर लो, बाकी किसी का बजट कम रहता है तो लोअर अमाउंट ले सकते हो। अच्छा, बट द थिंग इज इसको भी एटलीस्ट अगर लोगे तो 12-13 का तो मॉडल लेना ही है, ठीक है। ये भी आपको एक स्टार्टिंग रेंज समझो 25,000 से स्टार्ट होता है, 23, 24, 25 डिपेंड्स ऑन मॉडल, 13, 14, 15, 2017 मॉडल। तो ये आपको अगर मैं बेस्ट से बेस्ट भी अगर कर दूंगा तो आज का मार्केट के रेट के हिसाब से 36-38 डिपेंड्स ऑन कंडीशन उसके बीच में आ जाएगा। तो इसमें ही सेम आता है 1.8 है 2017,
इसमें सेम आता है 8GB RAM आता है, 8GB RAM 128GB SSD बेस वर्जन, उसको आप अपडेट करा सकते हो, ओनली SSD अपग्रेडेबल है। हां अपग्रेडेबल है, ओनली SSD 8GB 256 512। अच्छा SSD अपग्रेड कर सकते हो, ओनली SSD। अभी इसमें सेम देखो ये मॉडल है, ये 4GB वेरिएंट है, देख लो कंडीशन। ये आपको 25 के रेंजेस, 26 लाइक 4GB वेरिएंट जो भी आपको 23 से लेकर 28 के रेंजेस में आ जाएंगे। ये सेम है, ये 1.6 है, ये आपको 33 से 36 के रेंजेस में आ जाएगा, 1.6 सिमिलर टू द 2017 वेरिएंट। ज्यादा डिफरेंस कुछ है नहीं इसमें, दिस इज खाली 1.6 1.8 2-3 हज़ार का डिफरेंस आता है, जैसे कस्टमर डिमांड देते हैं। जिस वन इज अ 4GB वेरिएंट, ये आपको 13, 14, 15 12 से 15 के इयर्स में आता है, ये बिटवीन 23 to 26 के रेंजेस में डिफर करता है। ज़्यादा अच्छा एकदम कंडीशन है तो 28, नॉट मोर देन 9। और कुछ भी लोगे आपको 1 मंथ वारंटी मिलेगा, ओनली फिजिकल वाटर प्रेशर डैमेज नहीं कवर होता है। ये आपको आ जाएगा लाइक बिटवीन 40 to 45 डिपेंड्स ऑन कंडीशन, 40s के रेंजेस में अंदर आता है 14 का मॉडल, वो भी है मेरे पास, ये आपको 40 के रेंज में है, लाइक फर्स्ट टच नहीं है, उससे पहले वाला 2014 का है, या 2014 मॉडल 13-14, ये डिपेंड्स 35 to 40 के रेंजेस में आ जाएगा। और अगर 12 का मॉडल रहेगा तो आप लकीली वो मिलता नहीं है जल्दी, मेरे पास है पड़ा, वो बता दे सुनो, 12 आपको 30,000 में आ जाता है। रेटिना मॉडल, रेटिना में सस्ता मिलता है, हाँ बट ये मार्केट में इतना अवेलेबल रहता नहीं, आता है तो लगभग मिल जाता है। Come to the latest pieces. We have इसमें non touch bar, touch bar models हैं। मैं आपको पहले non touch bar से start करता हूँ। This one is the non touch bar. ये 2017, 8GB and 256GB, 8GB 128GB. इसमें भी आपको 128, 256. 128GB SSD. इसमें SSD. अच्छा. After 2012 सब models में SSD ही आता है। नॉन टच बार है, यप दिस इज नॉन टच बार, इसमें आपको टच बार भी बताऊंगा मैं। ये भी आपको प्राइस रेंज इसका लाइक बिटवीन 50 to 60 के रेंजेस में आ जाएगा, डिपेंड्स ऑन कंडीशन, 50 to 60, यप 128 to 256 जो भी रहेगा इसके बीच में डिफर रहेगा, और थोड़ा कम में भी आ जाता है लाइक थोड़ा कंडीशन हल्का हल्का मैनेज। और अगर कोई वीडियो देख के आ रहा है तो डिस्काउंट, वीडियो देख के आ रहा है तो उसको सामने से डिस्काउंट मिल जाएगा अच्छा खासा, बोलने की जरूरत नहीं, लास्ट टाइम भी भाई हुआ है। दोनों सेम है बट थोड़ा ये अच्छा कंडीशन में थोड़ा सा यूज किया है 58 to 64 इसकी 3 मंथ्स की एप्पल की वारंटी है, सिमिलर टू दिस ये भी नॉन टच बार में है,
टॉप रिप्लेस है इसका पूरा डिस्प्ले बाय मेपल। ये भी आपको आ जाएगा एक कौन सा ही है मॉन्टेज बेटा लाइक 55 टू 58 के बीच में 55 टू 58 क्रम टू द रेटिना मॉडल टच बार 15 इंच टच बार 15 इंच 16GB i7 मॉडल और 3.5GB ग्राफिक्स देख सकते हो टच बार मॉडल है इसका प्राइस सेगमेंट इसमें 16GB 256GB i7 है क्वाड कोर 3.5GB ग्राफिक्स है ये बिटवीन 80 टू 90s में आपको मिल जाएगा 80 से 90,000 विंडोज से तो काफी अच्छा है लेकिन अगर विंडोज लेंगे तो पूरा बहुत ज्यादा पूरा स्पेंड करना पड़ता है तब जाके कुछ इसके बराबर पहुंच पाएगा उसमें रेंडरिंग में थोड़ा बहुत हां मजा रेंडरिंग बहुत फास्ट होता है इसका हां इतना है ये MacBook Retina 12 इंच बोलते हैं इसे इसमें M3 M7 प्रोसेसर काफी बहुत लाइट वेट है ऑफिस वर्क के लिए मतलब एकदम मस्का पी प्रेजेंटेशन पीपीटी इसमें मेरे पास रोज गोल्ड गोल्ड वो गोल्ड पीस बताऊंगा ये रोज गोल्ड है ये कौन सा सिल्वर ना ये सिल्वर है ये रोज गोल्ड है ये गोल्ड और तीनों ये भी दिख रहे हैं और प्राइस सेगमेंट के अंदर प्राइस सेगमेंट इसमें देखो पहले तो कोर M3 M7 ऐसा होता है इसमें बेस आता है 8GB 256GB आपको प्राइस रेंज बोले तो हम बिटवीन 30 to 45 तक के वेरी होता है M3 डिपेंड ऑन कंडीशन 30 to 45 इसमें भी आते 11 से मतलब 10 11 12 बट मैं प्रेफर करता हूं 12 इसका। अच्छा इसका प्राइस सेगमेंट कितना है प्राइस सेगमेंट आपको बिटवीन 20 टू 26 लेट्स से ये सब 15 इंचेस मॉडल से 15 इंचेस रेटिना मॉडल से 15 इंचेस रेटिना मॉडल से इसमें प्रो भी है रेटिना भी है 12 13 14 15 ये सब भी डिफरेंट मॉडल है देखा जाए तो ये 15 कितने इंचेस के सब 15 इंचेस 15 इंचेस सारे 15 इंचेस रेटिना मॉडल और इसका प्राइस सेगमेंट वगैरह ये प्राइस में आपको like 40,000 फिर उसके बाद में अगर अपन जैसे हाईएस्ट आए थे वो तो 55 लास्ट टू लास्ट 55 58 8GB मॉडल्स भी आते हैं ये 15 इंचेस में 16GB मॉडल्स भी आते हैं टोटल मतलब मैक्स टू मैक्स जाएगा तो 55 58। अब अपन आ जाते हैं इसके बाद में iMac ये है iMac स्लिम मॉडल इसमें 12 13 14 15 17 जो भी है लेटेस्ट तो फिलहाल तो अपने पास ये पड़ा हुआ है विच वन लेट 2012 मॉडल 2012-13 मॉडल इसका प्राइस रेंज आपको आ जाएगा बिटवीन 32 to 36। ये है 4K रेटिना 21 इंचेस है जिसमें इज आल्सो 21 इंचेस रेटिना जिसमें इज आल्सो 21 इंचेस जिसमें इज 4K ये आपको प्राइस में आ जाएगा लाइक 48 to 50 ये बल्क वाला मॉडल है ये आपको आ जाएगा एक 20 से लेके 25 के बीच 20 to 25 हाँ ये सारे मैक मिनी इसमें भी मॉडल्स आते हैं लाइक कोर स्टूडियो से स्टार्ट है 8,000 में आएगा कोर स्टूडियो उसके बाद में i5 आता है इसमें कोर स्टूडियो फिर i5 आता है i5 भी लाइक 14,000 15,000 मॉडल भी हुआ तो लाइक 14-15 करेगा तो 20,000 20 22 ले 20 से
वो उसमें OS आपको अपग्रेड मिलेगा नहीं, आपका काम नहीं होगा, कोई भी बेचने को आपको बेच देगा बट उसमें कैसा है, लेके आप फंसने वाला काम है, आपको कुछ उसमें अपडेट्स नहीं आएंगे, जस्ट लाइक वो लेके खाली अपने को डेस्क पे रखना है, बट वर्थ नहीं है, लेके क्या करना है, डेस्क पे रखना है, ले लो मेरे पास रखा है डेस्क, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं लेके तो क्या मतलब है, हां डेस्क पे रखना है तो मेरे पास डेड मशीन तो इतने पड़े हुए रहते हैं कि आपको देके डेस्क पे रखना है, लेके जाओ भाई, मतलब मैं आपको कचरे के वो में दूंगा, लेकिन अगर मशीन चलाना है तो वो मशीन मत लो, मेरे पास आता है 15,000 वाला भी आता है, कोटूडी हो 12,000 आता है कोटूडी, बट वर्थ नहीं, तो कोई भी प्लान कर रहा है तो अच्छे अच्छे चीज के लिए जाओ, थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट कर लो, अच्छे चीज लॉन्ग टर्म चलेगा, अगर आपको जेनुइनिटी से लेके कुछ इशू रहेगा तो आप आके मेरे शॉप पे जो भी लैपटॉप आपको पसंद है आप सिलेक्ट करो, अपन एप्पल स्टोर जाएंगे, आपको वहां पे पूरा सेटिस्फाई होने के बाद ही मेरे को आप पेमेंट करो, पूरा सेटिस्फाई होके एप्पल स्टोर में जब वो बोलेगा हाँ कि भाई ओके तब मेरे को पेमेंट करो, उसका भी हमको कोई इशू नहीं है, आपको चाहिए तो हमको लैपटॉप खोल के दिखाने बोलते हो, अपन लैपटॉप अपन पूरा पीछे से खोल के दिखा सकते हो, जिधर भी स्टोर पर भी अगर आप लेके जाके चेक करा सकते हो, सुन रहे हो ना, जो मुझे कमेंट करता है कि डुप्लीकेट है, यहाँ से मत खरीदो, वहाँ से मत खरीदो, डुप्लीकेट नहीं है भाई, अगर हम लोग कैसे है सेल करते हैं ना तो उसकी वन मंथ चेकिंग वारंटी बोलते हैं, बट वो वारंटी ऐसा रहता है ना कुछ भी रहेगा ना आपको तो ओरिजिनल रिप्लेस होकर मिलता है, जैसे अभी समझो इसमें कीबोर्ड या बैटरी इशू है तो मेरे पास इतने सारे डेड स्टॉक्स रहते हैं ना, उसमें हम लोग का कीबोर्ड ये वो बेस सब चेंज हो जाता है, तो हम लोग देते सब ओरिजिनल ही है, कुछ भी आपको रिप्लेस होके ऐसा मतलब चाइना का वो सब नहीं मिलेगा, एक इवन एक स्ट्रिप भी रहेगी ना वो भी आपको एप्पल की मिलेगी, तो उसके बारे में बेफिक्र रही, तो सुनो ध्यान से सुन लो, अभी बाद में कमेंट करते हैं कि ये है वो डुप्लीकेट देना है, डुप्लीकेट नहीं है, सुन रहे हो ना भाई सिराज भाई क्या बोल रहे हैं, ये तो ओनर ही यहाँ के अभी वही बता रहे हैं आपको, बाद में मुझे बोलते हैं डीएम्स में कि भाई डुप्लीकेट है ये वो है, डुप्लीकेट नहीं है कुछ भाई, और कोई भी फोर्स नहीं कर रहा आपको परचेस करने के लिए, हाँ। आपके पैसे हैं, आपको इन्वेस्ट करना है, और रही बात एड्रेस की तो ये कार्ड है हमारे यहाँ का, और ये नंबर है, सीधा कांटेक्ट कर सकते हो, और रही बात कांटेक्ट नंबर की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से कांटेक्ट कर लो, हाँ अगर मुझसे कांटेक्ट नहीं करना डायरेक्ट यहाँ कांटेक्ट कर लो, हाँ प्लीज, हाँ इनको ज्यादा कस्टमर बहुत परेशान करते हैं, और हम लोग का मैक्स सॉल्यूशन इंस्टा आईडी है maxsolution007, वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसे भी फॉलो कीजिए, और सब में बड़ी बात हमारे भाई का चैनल द सचिन व्लॉग लाइफस्टाइल, उसे भी फॉलो कीजिए, शेयर करिए, थैंक्स, हमें वाला भी सब्सक्राइब कर दो जो कोई भी देख रहा है, बट द थिंग इज genuine व्लॉग है, ऐसा कोई नहीं कि हम लोग व्लॉग्स बनाते हैं तो व्यूज के लिए, वी प्रोवाइड genuine व्लॉग, ऐसा रहता तो हम लोग लोअर मॉडल वाले बजट बताते, वैसा नहीं, सीरियसली अगर सीरियस बायर्स के लिए अगर मैं चाहता ना तो लोग जैसे व्यूज उठाते 5,000 से 4,000 वैसे वाले मैं डाल देता, 1,000 में 2,000 में डाल सकता था मैं, और मार्केट मतलब मुंबई इतनी बड़ी मार्केट है ना, इतना घुस जाओ ना तो इतने बहुत सारे शॉप मिलेंगे, बहुत सारे जो डुप्लीकेट बेचते हैं, मैं कर सकता हूँ वीडियो अपलोड, उनमें भी मतलब व्यूज ले सकता हूँ, लेकिन नहीं कर रहा हूँ ऐसा मैं, क्योंकि मैं जेन्युइन दे रहा हूँ सबको, हाँ जेन्युइन प्राइस, जेन्युइन प्राइस है, आफ्टर 2 years में फिर से वीडियो बना रहा हूँ, ये कितना डिस्टेंस होता है 2 years में, मैं कितने ब्लॉग्स बना सकता था और कहीं के और शॉप्स के, नहीं बनाए मैंने क्योंकि मुझे पता है वो नहीं करने वाले वैसे प्रोवाइड, और बाकी रही बैड पेमेंट मोड की, अपने पास कैश, ऑनलाइन ट्रांसफर, जीपे, फोनपे, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई भी हो जाएगा इंशाल्लाह एक दो महीने में, सब सब पॉसिबल है, ओनली चेक नहीं लेते, चेक नहीं लेते, हाँ और आईएमपीएस, दैट्स इट, आईएमपीएस नहीं लेते और चेक नहीं लेते, आईएमपीएस लेते हैं, मतलब एनईएफटी होता है ना, वो एनईएफटी में टाइम लगता है 3 to 4 hours, तो इंस्टेंट पेमेंट आईएमपीएस लेते, खाली मोड ऑफ पेमेंट जो एक्सेप्ट नहीं करते वो चेक, दैट्स इट, सही बात, बस इतना ही था आज की वीडियो में, और बाकी जो रहा लाइक कर दो, फॉलो मतलब सब्सक्राइब तो कर दो यार, इतना टाइम तक देख रहे हो यार, मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन ले लिया और सब्सक्राइब नहीं किया, क्या मतलब है सब्सक्राइब नहीं हो रहा, सब्सक्राइब करो बहुत से लोग होते हैं सब्सक्राइब नहीं हो रहा, आप बेल आइकन को भी दबा देना जिससे कि कोई भी मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले जल्दी मिले, क्योंकि इसके बाद अभी बहुत से व्लॉग्स हैं मैं जो अभी अपलोड करने वाला हूं, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि मुझे और अपलोड करना है, इसी इससे हो सकता है इसके और अपलोड करूँ मैं, और कोई नया स्टॉक आ रहा है तो मैं करूँगा अपलोड, और रही बात इनकी इंस्टा की वो फॉलो कर लेना क्योंकि वहाँ पर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे कौन सा स्टॉक्स आ रहा है नया, तो बस आज के लिए इतना था, तब तक के मिलते हैं, बाय बाय, सी यू अगेन, सायनारा।